स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जिंदल पॉली। ये स्टॉक का अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनाता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके का अप ट्रेंड लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 930 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से कोई भी डिप आती तो इसको ऐड करें, 790 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें हम सजेस्ट करेंगे। ये बड़ा छोटा ही स्टॉप लॉस है लेकिन 930 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखेंगे। और मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक का जिस तरीके का सेटअप है और जो रिवर्सल इसमें देखने को मिला है और अब ये मल्टी मंथ हाई भी क्रॉस करके ये सस्टेन किया हुआ है, तो ये स्टॉक में मुझे लगता है कि 930 का जो लेवल एक बार क्रॉस करेगा तो स्टॉक में 1000 के ऊपर तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जिंदल पॉली बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई। जिंदल पॉली में खरीदारी करने की राय है और 930 का रखिएगा टारगेट, 790 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, ये आपके लिए। वागले साहब से आप करें फोर्स पर, इसके नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा हमारे अनुमान से थोड़ा बढ़कर आया है, 133 करोड़ रुपए का मुनाफा है। तिमाही दर तिमाही हमने अनुमान लगाया था 128 करोड़ रुपए का मुनाफे का। साथ ही आय पर भी देखें तो अच्छा फिगर आया है, 1261 का लेवल आया है। आय की अगर आप बात करें 1261 करोड़ का, हमारा अनुमान 1225 करोड़ का था, तो वहां पर भी देखें तो अनुमान से थोड़े बेहतर ही फिगर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़े अनुमान से बेहतर नंबर्स हैं, 1190 करोड़ के सामने 1261 करोड़ की आय आती हुई दिखी है और साथ ही 122 करोड़ के सामने 133 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन है क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है, तो अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक फर्स्ट कट का सवाल है कोफोर्स का, हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर ही इन नंबर्स को देखा जा सकता है। कुल रेवेन्यू में अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है, परफॉर्मेंस भी कंपनी की अच्छी रही है और काफी सारे सेगमेंट से भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। टॉप 5 क्लाइंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% का है, पिछली तिमाही से देखें तो थोड़ा बढ़कर ही आया है कंपनी की तरफ से। तो ओवरऑल एक अच्छे नतीजे दिख रहे हैं कोफोर्ज की तरफ से। थोड़े और कामकाजी नतीजों पर एनालिसिस निकालते हैं, तब तक बंसल जी जरा चार्ट्स पर भी देखें क्योंकि मिड कैप आईटी में सबसे एक्टिव काउंटर रहता है कोफोर्ज, थोड़ा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है पिछले कुछ समय से। चार्ट्स क्या कह रही है सर? देखिए दीपांशु, चार्ट देखें तो चार्ट इसके न्यूट्रल है, एक बड़ी रैली लेने के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है और नीचे में अगर हम देखें तो 2820 एक सपोर्ट है और ऊपर में 2950 एक रेजिस्टेंस है। तो 2820 से लेकर 2950 के एक ट्रेडिंग बैंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की राय होगी। ओके, तो थोड़ा सैलरी हाइक्स की वजह से आपने एबिट पर इंपैक्ट देखा है, पर 20 करोड़ डॉलर्स के नए ऑर्डर आते हुए देखें तिमाही दर तिमाही देखें तो 19 करोड़ से बढ़कर आए हैं, थोड़ा वहां पर है। 11 नए कस्टमर्स को इन्होंने जोड़ा है, वो एक फैक्टर है। टॉप 5 क्लाइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने कहा काफी अच्छा बनते हुए दिख रहा है इनका, और साथ ही जो इनका रेट ऑफ अट्रिशन है वो भी नीचे आते हुए दिखा है, एम्प्लॉई यूटिलाइजेशन बढ़कर 81% आया। तो कामकाजी तौर पर भी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं कोफोर्स के। ओवरऑल थोड़ा एक सैलरी हाइक की वजह से एबिट पर आपने इंपैक्ट आते हुए दिखाया, पर कोफोर्ज अच्छे नतीजे आते हुए कंपनी की तरफ से। आइए कुछ और एक बार जरा नजर डालिए फिर से आरती ड्रग्स पर। थोड़ी देर पहले हम इस पर बात कर रहे थे, एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत तो आ ही रहे थे। सिमी जी ने अभी इसके बारे में बात करी, 850 के टारगेट दिए हैं। सिमी जी, 800 के ऊपर तो अभी अभी चला गया है, एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिख रहा है आरती ड्रग्स पर। किसी ने अगर इंट्राडे ट्रेड के लिए लिया है तो इन लेवल्स पर मुनाफा बुक किया जाए या आज थोड़ी और भी तेजी बन सकती है जिस तरह से मोमेंटम बढ़ रहा है इस पे? ओके, सिमी जी के साथ संपर्क थोड़ा हमारा खराब हुआ है। एक बार बंसल जी से भी मैं चार्ट्स पर राइट डालूं। बंसल जी, 5-7 मिनट पहले 760 के लेवल्स पर था, अब 800 के पार है, आज के लिए और मोमेंटम देखते हैं? 14% ऊपर इस समय आरती ड्रग सर। ये दीपांशु बेहतरीन यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 800 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला है और टेक्निकली ये स्टॉक दोबारा से जो इसके प्रीवियस हाइस थे और ये प्रीवियस हाइस से इसके अराउंड 1026 के, उनको दोबारा से टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और आज के सत्र में देखें तो 800 के एक मेजर लेवल को इसने तोड़ा है, तो यहाँ पर 791 792 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी
इनिशिएट किया जा सकता है और यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए 865-870 का। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई आरती ड्रग्स पे। आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। हमारे दो मेहमान हमारे